देखिए, आज हम अमोनिया गैस तैयार कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला है NH3। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? इसके लिए हमें दो तरह के कंपाउंड चाहिए हैं। एक चाहिए है अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, और दूसरी चीज़ चाहिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दो चीज़ें हमें इसमें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम इसमें मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग से निकाल कर रखा हुआ है, तो ये मैं तो अमोनियम क्लोराइड इसमें ऐड किया जा रहा है थोड़ा सा ऑर्डर, क्योंकि हम मिकदार होना चाहिए, एक ही जैसी मिकदार में होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड इसमें ऐड कर दिया है और दूसरी इसमें ऐड है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सबसे पहले आप बुक दीजिए, हम इसको पढ़ लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या शामिल है। अमोनिया गैस तैयार की है और दो तरह के कंपाउंड मिलाए थे, पहला था अमोनियम क्लोराइड और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो आप इसको जरा थोड़ी इक्वेशन में दिखा दो करीब लाकर कि हमने अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलाया है तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अमोनिया गैस की प्रॉपर्टीज़ में शामिल है कि जब रेड लिटमस पेपर मैं इसको इसकी गैस के सामने रखूंगा तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो पहले हम ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स जो है वो ट्राई करेंगे वन बाय वन। तो ये रेड लिटमस पेपर है और मैं इसको यहाँ पर करीब लेकर जाता हूँ तो ये टर्न हो जाता है ब्लू कलर में, ठीक है। अब वन बाय वन डिसिप्लिन के साथ तमाम स्टूडेंट्स आएँ और ट्राई करते हैं। Thank you.